हरहर महादेव ऐसी पहली मराठी फिल्म है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है एंड इस फिल्म ने पहले दिन पर ही 2.25 करोड़ का बिजनेस किया है। जहां राम सेतु और ठेंगड़ जैसी बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट गई है, वहीं पर हरहर महादेव को क्रिटिक्स और फैंस की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले। हरहर महादेव के मोस्ट ऑफ द शोज पर महाराष्ट्र में हाउसफुल बोर्ड लगे। सो आई एम 100% श्योर की फिल्म पावनखिंड का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ के 2022 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म होने वाली है मराठी में। बट स्टिल इस फिल्म को लेकर ऐसी कई सारी बातें जिनको लेकर मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। सबसे पहले तो मेकर्स ने पैन इंडिया के नाम पर इस फिल्म का ढिंडोरा पीटा एंड जब यह फिल्म रिलीज हुई बाकी रीजन यानी बाकी सिटीज में इस फिल्म को पुअरली डिस्ट्रीब्यूट किया है। चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर ऐसी कई सारी जगहों पर इस फिल्म को ठंडा रिस्पांस मिला है ऑडियंस की तरफ से। प्लस इन सारी जगहों पर इस फिल्म को शोज भी बहुत कम मिले। मराठी वर्जन को छोड़कर हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ वर्जन को बहुत ही पुअर रिस्पांस मिला है। आई मीन बाकी रीजन की जितने भी ऑडियंस इस फिल्म को देखने गई उनकी तरफ से तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, बट यहाँ थिएटर्स में ऑडियंस के फुटफॉल्स लो है। यानी अदर देन महाराष्ट्र बाकी रीजन की जो भी ऑडियंस है वो बहुत ही कम मात्रा में इस फिल्म को देखने गए। ऑलरेडी राम सेतु और ठेंगड़ का बॉक्स ऑफिस पर डब्बा गोल हो चुका है एंड हरहर महादेव को ऑलरेडी इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, देन क्यों इस फिल्म के शोज और स्क्रीन्स नहीं बढ़े? क्यों पैन इंडिया लेवल पर इस फिल्म को कंटारा जैसा रिस्पांस नहीं मिला? इन सारे सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं देन एक बार बुक माय शो ओपन करो, वहां पे अपनी लोकेशन चेंज करो एंड देखो इस फिल्म की करंट सिचुएशन क्या है। इस फिल्म को साउथ में प्रमोट करने के लिए मेकर्स ने नागार्जुन को भी ऑनबोर्ड लिया, बट ट्रस्ट मी वो प्रमोशनल स्ट्रैटेजी मुझे इतनी एंगेजिंग नहीं लगी थी। आता मराठीत मानलं तर तुम्हाला असं वाटत असेल की मी हरहर महादेव बद्दल नेगेटिव्हिटी स्प्रेड करत आहे, देन असं काही नाही आहे। मी स्वतः चित्रपट फर्स्ट डे फर्स्ट शो पाहिला, त्याचा रिव्ह्यू सुद्धा केलाय, पण आपल्या सिनेमाचं बाकी राज्यातील काय परिस्थिती आहे याची जाणीव करून द्यायचे फक्त। मी अजूनही अशा मराठी पॅन इंडिया फिल्मची वाट पाहत आहे ज्याला कंटारा सारखा रिस्पॉन्स मिळेल। फिल्मी भाऊ अभिजित करून माझे मित्र आणि सबस्क्रायबर आहे ज्यांच्यामुळे मला या व्हिडिओचा सब्जेक्ट सुचला, सो थँक्यू मित्र। इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट ही फिल्म अपने जगह पर एकदम सही आहे, बट या सबसे बड़ी गलती की आहे मेकर्स ने इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो गाइस इस व्हिडिओ में मैंने जो भी बातें की है कि आप इससे एग्री करते हो एंड आपका इस पे ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड मीनवाइल डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स ऑन द अपकमिंग वीडियो। सो टेक केयर एंड सी यू सून।